मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए, वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए, हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए, आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ, इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 31 मार्च 2024, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोवन, आयन उत्तर, ऋतु शिशिर, मास फागुन, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की षष्ठी तिथि, रात 9:32 के बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी। वार दोस्तों आज का इतवार है। नक्षत्र दोस्तों आज का ज्येष्ठा नक्षत्र। रात 10:57 के बाद मूल नक्षत्र शुरू। योग दोस्तों व्यतिपात योग है। रात 9:53 के बाद वरियान योग शुरू होगा। करण दोस्तों गरज करण है। सुबह 9:28 के बाद वनिज करण शुरू होगा। और रात 9:32 के बाद विष्टिकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो मीन राशि में हो, चांद वृश्चिक राशि, गुरु मेष राशि और शनिदेव अपने कुंभ राशि में हो। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:35 पर होगा और निगमन 6:51 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार अब हम आज के नित्य देव पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ली दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर। हर ओम शिव शिव शंभो राधे, प्रवर्त मानस ब्रह्मणो द्वितीय पराव श्वेत वराह वैवस्वत मन कलियुगे प्रथम पाद जम्बुद्वीप भरतवर्ष भरतखंड मेरो दक्षिण दिग पाद महाराष्ट्र देश व्यावहारिक चांद शालिवान शक 1945 प्रभादि षष्ठी सवसर शोभन नाम सरे उत्तरायणी शिष्य ऋतु फागुन मासे कृष्ण पक्ष इतवार वास है ज्येष्ठा नक्षत्र व्यतिपात युग के बरस का षष्ठी शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न मैं का मोह पात्र दुरित क्षेत्र द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा दक्ष। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 9:28 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी भी धार्मिक विधि की संपन्नता की, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें, और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी सेवा जो है धार्मिक सेवा वो संबंधित देवताओं तक तो पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा, आपका जीवन और भी सरल हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आप मुहूर्त विभाग, इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल को इस प्रकार दिए। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है 1 अप्रैल 1, 3 और 5। गोद भराई के लिए कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है 1 अप्रैल 5।
मुंडन करने के लिए मुहूर्त है 1 अप्रैल 5, गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है 1 अप्रैल 1, 5 और 6। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखें, जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त कोई अब इस मास में नहीं है। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त है 1 अप्रैल 1, 3, 4 और 5। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त 1 अप्रैल 1, 5 और 6। भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए मुहूर्त अभी इस मास में नहीं है दोस्तों। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो उसके लिए मुहूर्त 1 अप्रैल 5। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, और जब आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं रहेगा तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी वो अब हम पंचांग शुद्धि दोस्तों वर्ज्य दिन है। दिन विशेष दोस्तों संत एकनाथ महाश्रेष्ठ महाराष्ट्र के संत परंपरा इसमें अव्वल में आते हैं दोस्तों। संत एकनाथ महाराज, इनका चरित्र, इनका जीवन चरित्र जो है वो हमें ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, उस पर मनन चिंतन करना है। और जो हम जब भक्ति मार्ग पे चलते हैं तो हमें क्या उसके लिए मार्गदर्शन उसमें मिलता है, वो हमारे जीवन में धर्माचरण में लाना है दोस्तों, तब जाकर हम उनके मार्ग पर जीवन भर चलते रहेंगे दोस्तों। और एक दिन भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी स्थिति भी आ सकती है दोस्तों जो संत एकनाथ महाराज की जीवन में आई थी दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों, इसके लिए आप नया हो या जुना, आप धरा छोटा हो या बड़ा, यज्ञ या कर्मकांड कर सकते हैं, लेकिन नया शुरू करेंगे तो आगे चलकर वो वैसे ही शुरू रहना चाहिए। अगर नहीं रहता है, बन पड़ता है तो आपको दोष लग सकता है। इसलिए अपने को जो जमता है, जो आसानी से हम कर सकते हैं उसे ही अपने, वरना हमें दोष लग सकता है दोस्तों। राहु काल दोस्तों शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक, इस काल में भी आपका कोई काम महत्वपूर्ण जो बनते बनते बिगड़ता है रखड़ता है, तो उसके लिए आपको और कोई समय का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये राहु का प्रभाव आपके लिए ठीक नहीं है ऐसा ही समझकर हमें और कोई समय उसे पूरा करना, हो सकता है हमें उसमें यश की प्राप्ति हो दोस्तों। दोस्तों संकल्प छोड़कर जो पूजा की जाती है वो शत प्रतिशत और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं इसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता, हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदी रहें और प्रसन्न। हरिओम, शिव शंभो महा।